नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। थाना क्षेत्र के ग्राम नया गांव निवासी 50 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति विगत 18 मई को अपने मामा के घर ग्राम केरुआ जाने के लिए कहकर निकला था, परंतु वह ना तो मामा के घर पहुंचा और ना ही घर वापस लौटा, जिसके चलते लापता अधेड़ के भतीजे ने 21 मई 2020 को भितरवा थाने पहुंचकर अपने ताऊ के लापता होने की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस द्वारा उक्त अधेड़ की छानबीन की जा रही थी। लगभग 18 दिन बीत जाने के बाद लापता हुए अधेड़ का नर कंकाल भितरवार नगर पंचायत क्षेत्र और निकटवर्ती ग्राम पंचायत भांसोंडी के बीच स्थित सिद्धि विनायक वेयर हाउस के पीछे स्थित पार्वती नदी में भरका में डला हुआ मिला। मौके पर पहुंचे परिजनों ने मिलकर कंकाल की पहचान के कपड़ों को और जूतों से करते हुए पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने IFSL की टीम के साथ आवश्यक साक्ष्य जुटाए और सबके रूप में मिले नर कंकाल के मरीजनों से हुई शिनाख्त के उपरांत उक्त नर कंकाल को परीक्षण हेतु ग्वालियर भेज दिया। भितरवार से संवाददाता कमल साहू की रिपोर्ट। कल मिला है, उसके बाद में थोड़ी जानकारी बताओ क्या तो क्या होता है। आज सुबह लगभग 10-11 बजे के दौरान पार्वती नदी के पास में एक नाला है, नाले में एक कंकाल पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस मौके पर पहुंची और नर कंकाल जो है उसके लिए FSL टीम वरिष्ठाधिकारियों ने उपस्थित हुए FSL टीम भेजी। FSL टीम ने वहां विधिवत कार्रवाई की और कुछ वहां जो है लोग इकट्ठे थे, उनके द्वारा जो है एक व्यक्ति की गुमशुदगी हुई थी, उनके परिजनों द्वारा पहचान की गई। उस कंकाल के पास में जो कपड़े थे और जो जूते थे और वो जो माला गले में पहने थे, तो उस आधार पर उन्होंने पहचान की। खुमान सिंह कुशवा जी जो है नए गांव के रहने वाले थे, 18 तारीख को अपनी रिश्तेदारी में कहीं गए हुए थे, 21 तारीख को उनकी गुमशुदगी हुई थी इसी थाने में। तो अभी जो है प्रारंभिक विवेचना में उनको उनके परिजनों का कहना था कि ये कपड़े उन्हीं के उसके हैं, बाकी की वैधानिक कार्रवाई सारी की जा रही है, PM के लिए भेज दिया गया है और जो है DNA वगैरह की कार्रवाई कराई जाएगी।